बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप यूएई के वीजा होल्डर हैं तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके और आप किसी भी स्कैंडल में फंस न सके। तो मैं आपको बताता चलूं कि जिन लोगों के पास एमरट्स आईडी कार्ड है वो अपना एमरट्स आईडी किसी को मत दें। मौजूदा दौर के अंदर लोग फ्लाइट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, मुख्तलिफ इशू के हवाले से अपना एमरट्स आईडी कार्ड मुख्तलिफ लोगों को दे देते हैं, लेकिन क्या क्या मसाइल हो सकते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। खलीज टाइम के रेफरेंस के साथ ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अपना अमारात शिनाख्ती कार्ड किसी को ना दें, ऐसा ना हो कहीं आपके नाम पर दूसरा शख्स दो नंबरी कर रहा हो। अब वो दो नंबरी का क्या सीन हुआ है? दुबई पुलिस ने बैंक चेक स्कैंडल में मुलव्वस ग्रोह को बेनकाब कर दिया, जो कि किसी और के शिनाख्ती कार्ड से चेक कैश करके कमीशन वसूल करता था। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं कि दुबई पुलिस ने बैंक चेक स्कैंडल से पर्दा उठाते हुए एक अफ्रीकी बाशिंदे को गिरफ्तार किया है, जो फ्रॉड से किसी और के शिनाख्ती कार्ड से चेक कैश करके कमीशन वसूल करता था। अफ्रीकी बाशिंदा, जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल बताई जाती है, वो एक और अफ्रीकी बाशिंदे से चेक वसूल करता था जो एक सुपरवाइजर था, और चेक कैश करने के बाद 1% कमीशन वसूल करके रकम सुपरवाइजर को हवाला कर देता था। पकड़े जाने वाले अफ्रीकी बाशिंदे ने इकरार किया कि वो 3 चेक कैश कर चुका है, जिसमें किसी और का शिनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया था, जबकि इस बार वो पकड़ा गया। ये आपने सुना कि वो किसी और का एमरट्स आईडी यूज करके चेक को कैश करवा रहा था। मुजरिम ने बताया कि वो 3,50,000 दिरहम पहले ही कैश कर चुका है। 3,50,000 दिरहम। एक दूसरे केस में इस ग्रोह ने जाली शिनाख्त बनाकर 1 अरबी से किराए की मद में 75,000 दिरहम देने का तकाजा किया, मगर रकम वसूल करने से पहले ही दर लिए गए। 3 मुजरिमों पर दूसरों के दस्तावेजात हासिल करके मुजरमाना कार्रवाईयों में इस्तेमाल करने की दफात के साथ फ्रॉड की शिक भी लगाई गई है। पुलिस मालूमात के मुताबिक बैंक की जनब से उन्हें फोन मौसूल हुआ है कि एक आदमी जाली आईडी कार्ड पर चेक वसूल कर रहा है, जिस पर पुलिस पहुंच गई और फर्द को गिरफ्तार करके चेक कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि तीनों में से 2 मुजरिम रुपोश हैं, जबकि गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा रहा है। तो आप लोगों के साथ ये न्यूज़ इसलिए शेयर की है कि आप मुहतात रहें और आप अपना एमरट्स आईडी किसी को मत दें, वरना आपके भी पैसे, आपकी भी रकम, आपके भी बैंक अकाउंट से कोई रकम निकाल कर भाग सकता है और कल आप फिर कंगाल हो जाएंगे। तो इस मालूमात को अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जिनकी आप केयर करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें।